नरेंद्र मोदी जी के लिए राजनेता के रूप में उनका जो अपन अभी वर्तमान का दौर देख रहे हैं, उस दौर का केवल विश्लेषण करना, उनकी जानकारी निकालना। 51 साल तक कोई चुनाव लड़े ही नहीं, कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन 50-51 साल तक राजनीति में संगठन का काम करते रहिए, प्रचारक के रूप में रहिए, बाकी काम करते रहिए, लेकिन जब राजनीति में आए तो राजनीति में भी कई चुनौतियों के बीच हिम्मत के साथ जब उन्होंने सरकार बनाई, तो अब सरकार बनाने के दरमियान हम सब याद रखें कि उनको सीधे मुख्यमंत्री बनाया, कोई मंत्री नहीं बने पहले। लेकिन आप ये भी आश्चर्य देखोगे, सरकार भी जो चलाई उनने के गुजरात आज अपने राज्य में, पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में सबसे आर्थिक रूप से संपन्न अगर कोई राज्य है तो गुजरात है, हमें इस बात का गर्व है। और दूसरा, गुजरात के बाद वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जो पहला चुनाव लड़े, और पहला चुनाव जैसे लड़े तो सीएम बने, दूसरा चुनाव लड़े तो सीएम बने विधायक वाला, तीसरा लड़े तो फिर विधायक बने, फिर विधायक बने, फिर सीएम बने, और अभी 3 बार जब भी एमपी लड़े तो जब भी लड़े सीधे प्रधानमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री। और जैसे उसने कहा कि राजनेताओं से ये सीखना चाहिए कि हार भी जाए तो क्या, हारने के बाद फिर अगला चुनाव जीते, वो डरता क्या, पुराने हारिए आप नहीं लड़ूंगा, आप नहीं लड़ूंगा, कोई ऐसा कहता मिला आपको क्या? अरे सारी जिंदगी लड़ा तो भी लड़ता रहेगा, लेकिन डरेगा नहीं, वो लड़ता ही रहेगा, भले हारता रहे, ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। मैं समझ नहीं पाया तुमने काहे के लिए आवाज लगाई, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा हारते रहो, मेरा ये कहना कि अंदर की हमारी इच्छा शक्ति जब मजबूत होती है तो हमारे द्वारा ऐसे सभी चुनौती के काम, मैं मेरे जिंदगी के 2-3 छोटे छोटे उदाहरण देके बात खत्म करूंगा, ज्यादा लंबे नहीं है। मैं फर्स्ट ईयर में साइंस कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा हायर सेकेंडरी के बाद, उस समय पीएमटी होती थी, मैं जॉइंट सेक्रेटरी बन गया 16 साल की उम्र में साइंस कॉलेज में। पहले मेरे पहले भी 10-20 साल तक परिषद जीती नहीं थी, हमारे आने के बाद जीत गई। तो अब हमने कहा, जैसे ही हमने पीएमटी दी, पीएमटी सिलेक्शन हो, इंदौर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो हमारे यहाँ के लोग बोले, अरे तुम कहाँ जा रहे हो यहाँ से? मैंने कहा मैं तो वहाँ जा रहा हूँ डॉक्टर बनने। बोले डॉक्टर बनोगे लेकिन वहाँ चुनाव नहीं होते हैं, यहाँ वो चुनाव लड़ो, बीएससी में अपन सेकेंडरी प्रेसिडेंट बनाएंगे, हमारे यहाँ तो लगातार परिषद का चुनाव लड़ना है, तुम कहाँ जा रहे हो चक्कर में? और मैं भी ऐसा भोला वाला था कि डॉक्टरी छोड़ के चुनाव लड़ने आगे, चलो इधर चलते हैं अपन। तो मैं चुनाव लड़ा, सेकेंडरी में प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना, वो अपनी जगह। लेकिन मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जीवन के जिस भी मार्ग से वहां सफलता आपका इंतजार कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, यह विश्वास हमको रखना चाहिए। राजनीति में जो मैंने बताया, अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति, कितने चुनाव हारे थे वो, उन्होंने जब भी चुनाव लड़े, जो भी चुनाव लड़े, हर एक चुनाव हारते गए, हारते गए, हारते गए, 13-13 चुनाव हारे वो। लेकिन जब मौका आया तो जो चुनाव लड़के जीते, तो आज भी याद रखते हैं कि वो गरीब परिवार से निकले थे, बहुत कठिनाई के बाद निकले थे, लेकिन राजनेता हो तो वो हो। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत मौके आते हैं, तो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने लिए 2-3 चीजें छोटी छोटी और करना। जैसे हम आज अपने बीच में से, मैं अपने इस अनुभव से, छोटे से अनुभव से बता सकता हूँ कि अपने बीच में शरीर की व्यवस्थाओं का पर्याप्त ध्यान दो, नींद पर्याप्त लो, व्यायाम पर्याप्त करो, अध्ययन के लिए भी टाइम टेबल बना के रखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, एकाग्रता रखो, योगासन प्राणायाम कर सकते हो तो जरूर करो, ये किसी प्रकार से बाधा नहीं है, समय का जायापन भी नहीं, इससे और आपकी प्रतिभा निखरती। उसी प्रकार से जो आप उम्मीद करोगे भगवान आपको जरूर बनाएगा, मेरी शुभकामना है। अब अपने एलियन वालों के लिए जरूर कहता हूँ कि आप यार एलियन से, मैं मध्यप्रदेश सरकार से आता हूँ तो आपसे भी निवेदन करता हूँ, एकाध इंस्टीट्यूट उज्जैन में भी खोलो, सरकार की तरफ से आपको हम विशेष अनुदान पे जमीन उपलब्ध कराएंगे, ये हमारी अच्छी भक्ति भावना है। बाबा महा
महाकाल की नगरी आपको बुला रही है। मैं मंत्री जी यहाँ से हटा नहीं रहा हूँ, यहाँ तो रहना ही चाहिए, वहां अलग से खोलना। मंत्री जी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपसे डरने रहा हूँ भैया, मैं इनको यहाँ से हटा नहीं रहा हूँ। जरा ताली वाली बजाओ, मेरी बात का समर्थन तो कर दो। बदलते दौर में हमारी सरकार ने बहुत सारे निर्णय किए हैं। यशस्वी आपके हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी मेरे अभिन्न मित्र हैं, उनसे भी मैंने बात की है। हमने एक नया एक सरकार बनने के बाद एक मार्ग भी तय किया कि अतीत के काल में शिक्षा का क्या महत्व, भगवान कृष्ण ने हमको बताया था।